वो शादी हमारे लिए मुनक्किद हुई है। ये क्या कह रहे हैं जनाब कि ये एक जाल भी हो सकता है? शादी के दिन वो मारना चाहते हैं, हाँ, मगर इन सब चालों के चक्कर में अलोफिरा की जिंदगी जाएगी। कम सर्फ हैं वो लोग, इतने साल इंतजार करके अब हमला करने का फैसला कर लिया है जनाब। कैसा बाप है जो अपनी बेटी को इस घिनौने खेल का हिस्सा बना रहा है? बिलाशुबा वो अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं गुज़िश्ता बरसों में हमारे करीब रहकर, अब हमारी पीठ में चुरा घोंपना चाहते हैं उस्मान साहब। ठीक है जनाब, जब सब कुछ जान ही चुके हैं तो फिर इस लड़की को हवाले नहीं करेंगे, कालीन भी नहीं भेजेंगे उन्हें। जितनी जल्दी हो सके बैलिचिक के सफर पर रवाना होते हैं। नहीं, दर हकीकत अब होलोफिरा को उसके बाप के हवाले करेंगे। शादी में शिरकत करेंगे, जहर आलूद मशरूब की जगह शहादत का मजा चखेंगे। और हम लोग शादी का तोहफा भी देंगे, हम कला हासिल करेंगे और फिर होलोफिरा को भी बचाएंगे। सुना है कि जंग दरवाजे पर है सल्वी। उस्मान बहुत बुरा फंसा है, उसका और उसके दोस्तों का अंजाम करीब है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए बारकन? हम खुद सोचेंगे, अपने बाप दादा की मीरास की हिफाजत करेंगे, उस्मान के रास्ते में भी हमारा सर बुलंद रहेगा। सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे, उस्मान के लिए नहीं, लेकिन जरूरत पड़ी तो उस्मान के खिलाफ खड़े होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं बारकन? उस्मान साहब के हम पर बहुत एहसान है, ये सब कुछ और सुकून की जिंदगी उस्मान साहब की ही बदौलत है। सल्वी, उस्मान साहब सिर्फ यही चाहते हैं कि सब ताबे हों, जो हमारा था वो ले लिया, सिर्फ लगता है कि मेहरबान है। मजीद सुकून चाहती हूँ मैं बारकन, जुदाई नहीं चाहती हूँ मैं। आह मेरी खूबसूरत खातून, उस्मान ने कभी भी एहसान नहीं चुकाया है, हमारे ही बलबूते पर इतना बड़ा बना, लेकिन अब बहुत हो गया, अब हमारी बारी है उठने की। बाद में बात करते हैं, अभी मुझे शादी में जाना है, मैं चलती हूँ। रुक जाओ सल्वी, तुम्हें शादी में जाने की इजाजत नहीं है, मैं अभी कहीं जा रहा हूं, हमारी गुफ्तगू के बारे में जरा गौर से सोचना, तब तक सोचना जब तक मेरी सोच के मुमासिल ना हो जाओ। बहुत ज्यादा लोग हैं जनाब, इस मामले में कितने लोग हैं, अंदर कितने सिपाही हमारा इंतजार कर रहे हैं, और जो दूसरे कलादार हैं? जो कह दिया उसके बरक्स नहीं होना चाहिए कोनूर, घात को जानकर हम लोग उन्हें घात में फंसाएंगे। तो ठीक है, सिपाहियों के साथ दाखिल होकर घात लगाने वालों को कुचल देंगे। सुनो, अगर हम सिपाहियों के साथ गए तो कोई शक नहीं कि वो समझ जाएंगे। खवातीन वहां जाएंगे, आई खवातीन कला फतह करेंगे, बिलजिक कला हमारा हो जाएगा और वहां से हम माले गनीमत हासिल करेंगे, उसे सिपाहियों में बांटेंगे, यूं वो और मजबूत होंगे, उन्हें नई तलवारें मुहैया की जाएंगी और हम लोगों ने अब तक जो भी तैयारियां की हैं, इनागोल हासिल करेंगे उनकी मदद से। हाँ,
हमारी खवातीन को इस दिन का काफी अरसे से इंतजार था। तरबियत और जंग को याद कर रही थी सब। खुदा का बहुत शुक्र है वक्त आ गया है। कोई भी हमला और कोई भी घात या कोई भी दीवार नहीं टिक सकेगी हमारे सामने। ये वक्त जंग का वक्त है, ये वक्त वतुहात का वक्त है।